हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज। तीन अध्यादेशों के विरोध में आरतियों का धरना प्रदर्शन दूसरे दिन भी जारी रहा। इस दौरान आरतियों ने मार्केट कमेटी कार्यालय के बाहर एडिशनल चीफ सेक्रेटरी का पुतला फूंका और मार्केट कमेटी सचिव को सरकार के नाम ज्ञापन सौंपा। वहीं आरतियों ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर सरकार ने उनकी मांगे नहीं मानी तो आढ़ती किसान पूरे हरियाणा में अपना व्यापार बंद कर सरकार के खिलाफ रोष जताएंगे। आढ़तियों की एसोसिएशन के प्रधान अरदीप सरकारिया ने कहा कि सरकार तीन अध्यादेशों की आड़ में आढ़तियों का वजूद मिटाना चाहती है, किसानों पर जुर्म डाल रही है। साड़ी सब तो वड्डी मंग है जिहड़ी आ कि मार्केट कमेटियां दे अंदर इन्होंने बैन लाता। मार्केट कमेटियां जिहड़ियां उह बनाईआं होईआं हरियाणा और पंजाब सरकार दीआं ने पिछली 60 और 70 साल तो जिहड़ा इत्थे पद्धति दा सिस्टम बना रखिआ है, बड़ा साफ सुथरा और एक मॉडल सिस्टम बना रखिआ, क्योंकि इत्थे हर मार्केट कमेटी दे एरिए दे विच हर अनाज मंडी दे विच इक इक सरकारी दुकान जिहड़ी सोसाइटी चलाउंदी आ उह बना रखी सी। इत्थे किसे वी तरीके दा किसान नाल कोई भी धोखा नहीं हुंदा, जे कोई नुकसान हुंदा तां उल्टा आड़ती दा हुंदा। असीं मंग करदे आ कि जिहड़ी जां तां मार्केट फीस नूं खत्म कर दित्ता जावे, अंदर और बाहर इको रेट दिता जाए, फिर असं उस तैयार हाँ कि मार्केट कमेटी जी उन्होंने अंदर रखी आ चलती रहे, पर उसकी मार्केट फीस जी खत्म करके अंदर और बाहर का रेट जोड़ा आ मार्केट मंडी के अंदर रेट और बाहर रेट जी इन्होंने गलत पॉलिसी बनाई आ कि अंदर 4% मार्केट फीस आ और बाहर फीस नहीं हैगी और 100 रुपए का डिफरेंस आएगा, 150 रुपए का डिफरेंस आएगा, व्यापारी किमें खरीदेगा। अज अगर व्यापारी 2 साल अंदर रखी बाहरों खरीद भी लेगा उस तो बाद नहीं खरीदेगा, किसान जोड़ा आ मर जाएगा और छोटे किसान को ना तो जगह हैगी रखन अंदर रखी स्टोरेज का सिस्टम ना उसनों प्रॉपर तरीके फसल में संभाल सकता। अगर गिली स्टोर कर ली, डमी कर ली, डैमेज कर ली तो कल उसकी बड़ी वड्डिया उनके मुसीबत होएगी, उस दागी हो जाएगी, वो बिकेगी नहीं। तो सरकार पहली गल अध्यादेश वापस करे, नहीं तो अंदर रखिए मार्केट फीस जी बंद करे, अंदर और बाहर का जोड़ा आको टैक्स करे, यही साड़ी सब तो वड्डी मांग है।